सुन लेना कि पलाश अग्निदीपक है, भूख लगाता है, सूर्य के तेज किरणों को पचाने की शक्ति देता है। पलाश कृमिनाशक है, अस्थियों को जोड़ने में अद्भुत उसका योगदान है। पलाश की पत्तल में भोजन करने से स्वर्ण बर्तन में भोजन करने जैसी सात्विकता और पुण्याई प्राप्त होती है। कफ और पित्तजन्य रोगों को मार भगाने में पलाश जादुई काम करता है। पेट की कृमि भगाने में भी पलाश का बड़ा सहयोग है। कोई नामर्द हो तो 1 ग्राम पलाश का गोंद पेड़ का रगड़ के दूध में पिलाओ, नामर्द भी मर्द हो जाएगा और मर्द पिए तो मजबूत हो जाएंगे। और भी इसके कई 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 फायदे हैं, इसलिए मैंने देखा कि वो हमारी जो होली की परंपरा थी उसको अंग्रेज शासन ने गला घोंट दिया। अंग्रेजी रंगों से हम होली खेलने लगे। अब काला रंग उसमें पड़ता है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड रंग जो है वो किडनी को खराब करता है। करोड़ों रुपए के रंग में पैसे जाए और किडनी की बीमारी भारतवासियों को, तो मेरे को पीड़ा हुई। हरा रंग उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थाई अंधत्व और आंखें कमजोर करता है। हरा रंग केमिकल वाला। सिल्वर रंग एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर को जन्म देता है। मेरा हृदय दहल गया। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। मेरे भारतवासियों को चर्म रोग भी हो और होली के निमित्त करोड़ों रुपया रंग में भी जाए विदेश में। लाल रंग मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दम्मे की बीमारी और एलर्जी देता है। एक भी रंग बिना बीमारी दिए नहीं जाता। और उस रंग कपड़े पे लगे तो कितना पानी खर्च होता है, कितना साबुन खर्च होता है और कितना स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए मैंने ये पलाश के फूलों का होली का उत्सव चालू किया। महाराष्ट्र में बंबई है, तुमको पता है, बंबई में बैठे हो, और जगह मैं ऐसा बोलता हूँ, महाराष्ट्र में बंबई है। बंबई एयरपोर्ट का मैनेजर, एयरपोर्ट जहाज पर मेरा जहाज लैंड और वहाँ कार ले आता, किसी जहाज में जाना हो और वो उसका टाइम हो गया और मेरा जहाज लेट हो रहा है तो उसे सिग्नल दिलाता और मेरे जहाज को जरा रुकवा देता। ऐसी साहसिक बंबई एयरपोर्ट के सुपात्र ने सेवा की तो मैंने पूछा, भाई आखिर इतनी तुम साहसिक सेवा करते हो? बोले, बाबा मेरे पिता को एलर्जी थी, स्किन प्रॉब्लम था, भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी, और अंग्रेजी में कई नाम लिए, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। बाबा, किसी ने बोला कि पलाश के फूलों से बापू रंग छाटते, लोगों का मानसिक विषाद दूर हो जाता है, भावनात्मक टेंशन दूर हो जाता है, शारीरिक टेंशन दूर हो जाता है, बौद्धिक टेंशन दूर हो जाता है, रोता जाता और हंसता आता है। बापू के हम तुम्हारे पिता को भेजो। मैंने अपने बाप को भेजा और बाबा इतना मेरा बाप खुश है। उसकी बीमारियां तो चली गई, अच्छी तरह से नींद भी करते, अच्छी तरह से खाते। जिस बाबा ने मेरे बाप को हंसता खेलता कर दिया, हंसता खेलता शब्द मेरा आ गया, उनके शब्द नहीं थे, कुल मिला के उसका भाव ये था। मैंने कहा, अरे पलाश के फूल, काम तो तेरा और नाम मेरा हो रहा है, शाबाश है पलाश के फूल तेरे को। अब ये भारतीय संस्कृति की जो खोज है पलाश के फूलों से होली खेलना, उसको अंग्रेज शासन ने गला दबा के अंग्रेजी रंग बेचा और हमारे भारतवासी बीमारी के शिकार बने। तो अगले साल मैंने 9 जगह पर होली का कार्यक्रम रखा। इस बार मेरा 13 जगह पर कार्यक्रम है, 9 जगह पर तो हो भी गया है। और नासिक में पानी की तंगी थी तो हमने बहुत कम पानी खर्च किया और अखबारों ने, मीडिया ने खूब खूब सराहना की। और जहाँ भी हम करते तो पानी की तंगी हो चाहे ना हो, हम कर कसर में मानते हैं। अब आप आधा ग्लास पानी एक आदमी के हिस्से लगाओ तो केमिकल रंग से आधा ग्लास से कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ आधा ग्लास की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 6,000 लीटर लाख आदमी में हो जाता है, कभी कभी कहीं ज़्यादा हुआ तो 10,000 लीटर, तो भी 100 ग्राम एक आदमी के पीछे पानी लगा। पानी का बिगाड़ नहीं होता,
ये एनजीओ वाले पैसे देकर मीडिया को गुमराह करते हैं और मीडिया फिर अपने ढंग से टीआरपी के लिए कुछ का कुछ बेचारे गलती करते हैं। मीडिया वाले अपने ही भाई हैं और उनको उनकी मजबूरी है अथवा उनकी लालच है या उनका कुछ भी है, लेकिन भगवान सबका मंगल करे। हम पानी नहीं बिगाड़ते, हमारे यहाँ बिगाड़ से बहुत सावधानी है, बहुत कर कसर से रहते हैं, इसलिए साधकों को सब स्नेह से फ्री से मिलता है। हमारी मैगजीन निकलती है लोक कल्याण, घर घर पहुँचती है और 250 रुपया महीने का, 30 रुपये में घर घर मैगजीन पहुँचती है लोक कल्याण। बताओ कैसा करकसर है, 250 रुपये में घर बैठे मैगजीन पहुंचे।